देर हो रही है, जन्माष्टमी पर जाना है। सब पहुंच गए होंगे। अरे आइए आइए दामाद जी, आओ जलपा बेटा। बापूजी कैसा लगा मेरा इंतजाम? भरत कुमार कुछ समझ में नहीं आया, ये झूला क्यों? बापूजी क्या है इसके ऊपर देखो, सबके कपल के फोटो लगाए, मस्त माइंड ब्लोइंग। उसमें क्या एक एक करके कपल बैठेगा और उसमें ना गुलेल भी है, गुलेल से ऐसा निशाना साधने का और जो मटकी फोड़ेगा वो हो जाएगा विनर। तो किस बात का इंतजार है, चलो मटकी फोड़ते हैं। आप दोनों का बैठना तो बनता है ना, आइए चलिए। एक मिनट एक मिनट, मगज तो ठेकाने छे ना तारू। बिचारी जलपा बिन माँ बनने वाली है, शादी के 20 साल बाद घर में खुशियों का तारा टूटा है, ऐसे में ऊपर झूले में बिठा के सब कुछ बिगाड़ेगी क्या? जानती है ना नवा महीना चल रहा है, रेवा दो जलपा बिन, तुम्हें शांति थी मारी पासे उबारो। हाँ भाभी मैं तो जरूर बैठूंगी वहाँ पे, कसूर नहीं था मैंने। अरे डॉक्टर डॉक्टर दोनों, फिर किस बात का टॉर्चर, कुछ नहीं होगा। भाभी हमें विराजो ने रेवा दियो, भरत कुमार रेवा दियो, मैं कैसे बैठ सकती हूँ, और वैसे भी मेरा जोड़ा टीका कहाँ है, जो मैं तो ठहरी विधवा। कोई बात नहीं, आपको मैं एक मस्त माइंड ब्लोइंग काम देता हूँ। वो ऊपर मटकी लटकी है ना, उसको ऐसे हिलाते रहना, किसी का निशाना नहीं लगना चाहिए। मस्त माइंड ब्लोइंग, मस्त माइंड ब्लोइंग। श्रीनाथ जी सबनु भलू करे। कोई नहीं भाभी, चल सेजल तेरी मम्मी की जगह तू बैठ जा, चल जागृति। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे भाई तेरी घरवाली कहाँ है, मिसेज हावड़ा कहाँ है, अरे बुलाओ ने अपनी बहू को, कहाँ है? उसे छोड़ो वो आ जाएगी, तुमने ये गाना सुना है? वाह 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 वाह, मस्त माइंड ब्लोइंग, क्या कमाल का गाया है बापूजी आपकी बहू ने। एक बात तो है, अगर तू नॉर्मल इतना अच्छा गाती है तो मैंने जो भी फ्रिज लिया है ना 80,000 का, उसके साथ एक कैरियोके सिस्टम फ्री आया, उसमें कितना अच्छा गाएगी। तो बापूजी एक बात माननी पड़ेगी, अरे यहाँ क्या जोड़ी है, क्या जोड़ी है और क्या गाना गाया है इसने, इसके सामने ने 80% गुजरात की लड़कियां फेल है। साव साची बात भरत कुमार, गुजरात की लड़कियां इनके आगे फेल ही तो हो जाएगी ना, जादू करनी जो है बंगाल का जादू, कमाल तो दिखाएगा ही ना।
तभी तो भानुशाली परिवार की बहू बनी है। हाँ ये देखिए ना, ये कंगन देखिए, ये हार देखिए, मांग टीका देखिए, क्या सजी है, क्या सजी है, वाह वाह वाह, कोटू नहीं कहूँ, ऐसी सजी है शौर्वरी वो कि आप तो इस परिवार के लायक ही नहीं लग रहे। अरे मैं तो कहती हूँ आपको इंद्र भगवान के दरबार में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रही है, साक्षात अप्सरा लग रही है। भाभी लव मैरिज की ना बात ही कुछ और होती है, सीधा हावड़ा से बरोड़ा, नहीं? चलो भाई अब शुरू करते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया। एक बात माननी पड़ेगी, तूने अपने दादाजी से ना बाजी मार ली। क्या मस्त माइंड ब्लोइंग शॉट मारा एकदम। हाँ अरे भरत कुमार, आखिर बेटा किसका है? एकदम साची बात, वैसे खोटू नहीं कहूँ, ऐसे कारनामे तो ये पहले भी कर चुका है, पुराना खिलाड़ी जो है। बापू जी, नए दूल्हे को डबल देना, थोड़ा उसके लिए और बाकी उसकी बीवी के लिए। हाँ अरे बाल गोपाल जी का झूला रुक किससे गया? लाओ बापूजी। बापूजी आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो ना। अरे आपका इतना मस्त माइंड ब्लोइंग बड़ा बिजनेस है एलजी बेबी प्रोडक्ट्स का, गुजरात में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसने एलजी बेबी प्रोडक्ट को ना इस्तेमाल किया। और मैं आपको सालों से बोलता रहा कि बापूजी एक्सपांड करो एक्सपांड करो, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। आपने एक ही बात बोली कि भाई बिजनेस को उतना बढ़ाओ कि रात को इतना टाइम मिल जाए कि परिवार के साथ में बैठ के चैन की दो रोटी खा सको। बराबर है, पछि अचानक आटलू मोटू डिसीजन, आर्ट को इतनी दूर भेज रहे हो अमेरिका, कि अपने गुजराती बाबू मोसाई के साथ में कोई गिला सीखवा नाराजगी ऐसा तो कुछ नहीं है? बदलाव कुमार, तुम ही कहा करते थे ना कि भाई जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। हाँ? इसलिए तो ये त्योहार घर में ना मनाते हुए हम लोग यहाँ फार्म हाउस में मना रहे। तो भाई ये हुआ ना बदलाव, पर कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का, बिजनेस को आगे बढ़ाना जरूरी है ना। हाँ? पार्थ बहुत समझदार है, अपने जिंदगी के बड़े बड़े फैसले खुद लेने वाला, तो फिर इसे अमेरिका भेजना तो बनता है ने? हेलो, अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ। जलपाप? क्या बात है बेटा? वो बाबूजी, वो हॉस्पिटल से फोन आया था, एक इमरजेंसी आई है तो मुझे जाना होगा।
इमरजेंसी है तो तुम्हें जाना ही होगा। ओके ठीक। अरे ये जाएगी तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा ना, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं भी डॉक्टर हूँ। चलो चलते, जय श्री कृष्ण। बेटी दामाद गए, नाटक खत्म। मेहमान चले गए, अब हमें भी अपने अपने घर चलना चाहिए। कतु, जाने से पहले सिर्फ एक ही काम रह गया। आज पार्थ पहले टीका लगाएगा। मुझे कुछ मांगना है। यस। पहले कौन मांगेगा? ऑब्वियसली मैं मांगूंगा, मैंने पहले टीका लगाया। ये कैसे? टीका पहले मैंने लगाया है। एक मिनट सुयम, इधर आओ। किसने पहले टीका लगाया? अरे दादाजी, भाई ने पहले टीका लगाया आपको। अच्छा एक काम करते हैं, झगड़ा क्यों करें? आज दादा पोता एक साथ मांगते हैं, ठीक है? ये भी चलेगा? कोई बात नहीं। एक मिनट, एक मिनट। पहले मैं कुछ बोलूंगी और जैसे ही मेरी बात खत्म हो जाए आप दोनों अपने मन की बात कह देना। डन डन। चलिए अब आप उधर देखिए।
हे महाराज श्रीनाथ जी, पार्थ आ शू आ बंगालन एक नौकरानी। ये क्या मजाक है पार्थ? तू ये मजाक नहीं, मैं इस लड़की से प्यार करता हूं और शौर्वरी को जिंदगी भर साथ निभाने का मैंने वचन दिया है। घर परिवार एक मोतियों की माला की तरह होता है पार्थ, जिसमें एक सरीके के मोती लगते हैं। अगर एक भी अटपटा मोती लग जाए तो उस माला की शोभा खत्म हो जाती है। अरे जो लड़की महीने की पहली तारीख को तनख्वाह के लिए हमारे सामने हाथ फैलाती है, उसी के हाथों में शादी का शगुन नहीं रख सकते हम। फिर घर में श्री नाथ जी विराजमान है, मांस मछली खाने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। एकदम सच्ची बात बापूजी। दद्दू, आप शौर्वरी को ठीक से जानते तक नहीं, फिर उसके बारे में ऐसी राय? लड़की बाहर। दोबारा ना इस घर में दिखाई देना और ना ही ऑफिस में। तेरी तनख्वाह बोनस के साथ तेरे घर पे पहुंचा दी जाएगी। और ये जो सपना देख रही है ना तू, इसे यही तोड़ दे। पार्थ ने तुझे वचन दिया होगा, लेकिन पार्थ को इस घर ने जन्म दिया है। वो यहां के संस्कार और रिश्ते भूलकर तेरे माया जाल में नहीं फंसेगा। बाहर। इतना भी अंधेरा नहीं है कि तुम अपना रास्ता भूलकर हमारे हिस्से में चले आओ। इस घर के अंधेरों की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। इस परिवार से उसका बेटा छीना, घर के दो हिस्से करवा दिए। मेरा भारत कभी ऐसा नहीं था कि अपनी मां की उंगली छोड़कर किसी और का हाथ पकड़े। दो साल पहले जब से तू इस घर में आई है, ना सिर्फ इस घर के आंगन पर
बल्कि एक माँ के हक पर भी लकीरें खींची गई। दो साल से इस माँ ने अपने बेटे को सिर्फ दूर से ही देखा है। दो साल से इस माँ ने अपने बेटे से ढंग से बातें तक नहीं की। मेरे पार्थ ने दो साल से अपने माथे पर तिलक तक नहीं लगाया, जिसके बगैर वो एक दिन नहीं रहता था। लेकिन फिर भी इस माँ को तसल्ली थी कि बाबूजी तीज त्योहार पर समाज के डर से और दामाद जी के सामने इस घर की इज्जत बनाए रखने के लिए पार्थ को इस हिस्से में आने तो देते थे। ये माँ अपना सुख उसमें ढूंढ लेती थी। लेकिन आप, तेरी वजह से बापूजी मुझसे मेरा एकलौता सुख भी छीन रहे हैं। मेरे पार्थ को मुझसे इतना दूर भेज रहे हैं, इतना दूर कि अब वो मुझे सिर्फ तस्वीरों में दिखाई देगा। दादाजी, आप मुझे अपने से भले ही कितना भी दूर कर लें, पर मेरे नाम के साथ भगवान ने जो आपका नाम जोड़ा है, भानुशाली, उसे कभी अलग नहीं कर पाएंगे आप। मैं आपके साथ हूं या ना हूं, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये तलाक के कागज हैं, इस पे साइन कर और ये रिश्ता तोड़। आप माँ हैं, माँ होने के हक से आप मुझसे मेरी जिंदगी मांग लीजिए, आसानी से दे दूंगी। लेकिन अपना प्यार, प्यार ना दे पाऊंगी। पर तू एक बार, सिर्फ एक बार अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, मुझे टीका लगा दीजिए, प्लीज। मेरे आशीर्वाद की तुझे क्या जरूरत है? तेरी पत्नी का प्यार ही काफी है तेरे जीने के लिए। माँ, ये दूध देख रही है? नींबू की कुछ बूंदों ने इस पतीले भर दूध का नाश कर दिया। तूने भी कुछ ऐसा ही किया इस परिवार के साथ? नहीं, एक अकेली तू मेरे पूरे घर संसार को उजाड़ गई। जा, इस माँ की बद्दुआ है तुझे। जिस तरह से तूने मेरे बेटे को छीना है ना, एक दिन तू भी इस दर से गुजरेगी। हाँ,
कैसे पहुंचे? पानी पिलाए। आपने हमें क्या बात है, वाह वाह, हेलो गरबा रमिए, एकदम मस्त, माइंड ब्लोइंग। अरे जन्माष्टमी के दिन मटकी क्या फूटी, तुमको तो बचाया है बचाया, लेकिन बच्चे को भी कुछ नहीं होने दिया। समझी? अरे मिसेस हावड़ा, आप मां बनने वाली है मां। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.